आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से ऐसा नाश्ता, ना तो कभी आपने देखा होगा और ना तो कभी आपने खाया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया है और छील के रख लिया है, और बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है। तो चलिए हम फटाफट इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तब कद्दूकस की मदद से हम तीनों आलूओं को अपने कद्दूकस कर लेंगे इसी तरीके से। तो कद्दूकस की मदद से मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच नमक, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा खाते हैं इसे डाल सकते हैं। और मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये नाश्ता बनाना बिल्कुल आसान है, आप अपने घर पे कभी भी बनाकर फटाफट से खा सकते हैं। बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इस तरीके से हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो दो हमारा बढ़िया से मुलायम सा तैयार हो गया है। इसी तरीके से तैयार करें, बहुत ज़्यादा इसमें मैदा ना डालें, इतना ही मुलायम रहेगा तभी आपका नाश्ता अच्छा बनेगा। थोड़ा सा मैदा बच गया है, इसे हम बाद में थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अभी से हम रख देंगे बाउल में, 10 मिनट बढ़िया से रेस्ट करेगा, फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट दो को ढके हुए हो गए, हम चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। तो थोड़ा सा हम सूखा आटा ऊपर से डाल देंगे। तो 10 मिनट डो को ढके हुए हो गए, हम चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। तो थोड़ा सा हम सूखा आटा ऊपर से डाल देंगे। तो मैंने सूखा आटा डाल के अब हम इसमें से निकाल लेंगे डो को, और इस तरीके से हाथ से पहले लंबा बना लेंगे। इसे दो भाग में कर देंगे, आधा हम रख देंगे, आधे की पहले पेड़े जैसी बढ़िया लोइयां बना लेंगे इस तरीके से। सूखा आटा डाल देंगे तो चिपकेगा नहीं चकले पे, बढ़िया से इस तरीके से चिकना बना लें। तो पहले हम छोटे छोटे पीस में इन्हें कट कर लेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी, इस तरीके से लोइयां कट कर लेंगे। फिर हम इन्हें पेड़े जैसी छोटी छोटी लोइयां गोल गोल बना लेंगे इस तरह से, उठाएं और एक एक करके हाथ के मदद से बढ़िया से पेड़े जैसी लोइयां बनाकर रखें। बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली, छोटी छोटी, बढ़िया देखने में अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हमें सारी लोइयां बना लेना है। तो मैंने पेड़े जैसी सारी लोइयां बना ली है, और इस तरीके से चम्मच से मैंने थोड़ी थोड़ी इस तरीके से डिजाइन बना दिया है। आप भी इस तरीके से बना दें। तो मैंने सारे में डिजाइन भी बना दिया। अब चलते हैं फटाफट सेलो फ्राई करते हैं। मैंने गैस जला के तवा को रख दिया है, तवा में तेल भी डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं। और आपके पास पैन है तो उसमें बढ़िया से स्लो फ्राई हो जाएगा। तो तेल गर्म होते ही हम इसमें डालना शुरू करेंगे। तो तेल हमारा बढ़िया से गर्म है, एक एक करके आराम से इस तरीके से डाल देंगे इसी में। जितना तेल में आए उतना ही डालिएगा। जब एक से दो मिनट सेंकते हुए हो जाएंगे तो एक तरफ बढ़िया से इस तरह का कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन, तब आप इस तरीके से एक एक करके पलट दीजिए बढ़िया। तो लगभग दो मिनट दूसरी साइड भी पलटे हुए हो गए हैं। तो बढ़िया से क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट, बढ़िया बनकर ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं, कितना बढ़िया दिखने में अच्छा अच्छा लगता है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और जो बचा है वो भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल कम समय में हमारा बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ। तो मैंने मीठी वाली चटनी ली है, बढ़िया से इस तरीके से डालें और उठाकर खाएं। आप तीखी वाली चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।